नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम कुणवासी महादेव के नाम से प्रसिद्ध यह जगह है और हम आपको बताना चाहेंगे कि कुणेश्वरनाथ बाबा का यह धाम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम आए हुए हैं। बहुत ही पुरानी कथा है इसके पीछे। ये बाणासुर के द्वारा, असुर राज बाणासुर के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी और मान्यता है कि जब बाणासुर हवन करने के लिए हवन कुंड की खुदाई, ये हवन कुंड की खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पे पत्थर मिला जिससे रक्त प्रवाह हो रहा था और तीव्र गति से रक्त प्रवाह हो रहा था। तो रात में बाणासुर को स्वप्न आया और उस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और बहुत सारी यहाँ की पौराणिक कथाएँ हैं, पुरानी कथाएँ हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मान्यताएँ हैं। लेकिन आज भी बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा उदासीनता का ये जगह बन गया है। कहीं से भी आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा दिखाया जाए, कहीं से भी कोई विकास दिख नहीं है। तालाब है तो इसी तरह इसकी स्थिति भयावह बनी हुई है। और भी जो भी यहाँ पे है, चूँकि हर जगह जहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जहाँ बहुत सारे फंड आ रहे हैं मंदिर के विकास के लिए, लेकिन आज यहाँ की जो स्थिति है उदासीन के तरफ जा रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ हैं, यहाँ के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। ये कुणेश्वर धाम है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। यदि शिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि आज फागुन में जो महाशिवरात्रि होता है उस समय बहुत भीड़, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और बहुत ही भीड़ लगती है। बाबा एक मिनट बाबा, तो आइए कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे, बात करते हैं। आप देख सकते हैं यही शिव मंदिर है और थोड़ा सा हम दर्शन कराना चाहेंगे आप लोगों को। जो ये तो ये शिवलिंग है जो आपने देखा और बहुत सारे लोग, अभी तो बहुत कम लोग हैं लेकिन श्रावणी मेला वगैरह जब लगता है या फिर शिवरात्रि का समय होता है भगवान शिव का, तो उस समय बहुत लाखों की भीड़ उमड़ती है। आइए क्या कहेंगे, क्या मान्यता है यहाँ का, चूँकि बहुत सारी यहाँ की पौराणिक कथाएँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक किंवदंती है या दंत कथा जो भी कहा जाए, लेकिन हम लोगों बचपन से ही इस मंदिर के विषय में जानते हैं, देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि असुर राज वाणासुर की यह तपह स्थली थी और घनघोर तपस्या के बाद जब वो हवन करने के लिए हवन कुंड का निर्माण कर रहे थे तो खुदाई के दौरान एक पत्थर पे उनका फावड़ा या जो भी लोहे का अस्त्र उस समय रहा हो खुदाई के लिए वो लगा और उससे तेज रक्तधार बहनी शुरू हुई। इसके बाद वो काम वहीं रोक दिए रात में और इसी यही वजह है कि हवन कुंड की खुदाई के दौरान शिवलिंग वहाँ प्रकट हुए थे शिव जी और उन्होंने स्वप्न में बाणासुर को कहा कि आप पहले मेरी स्थापना कीजिए, विधिवत पूजन कीजिए, उसके बाद हवन कीजिएगा। तो चूंकि हवन कुंड की खुदाई से ही उनकी उत्पत्ति हुई है इसलिए इनका नाम कुंडेश्वरनाथ, बाबा कुंडेश्वरनाथ के नाम से यह स्थान मशहूर है। अब भ्रांतियां हैं, तमाम तरह की बातें। अब ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का की स्थापना और ये जो भी पत्थर से ही ये मंदिर निर्मित है, ये बाणासुर के द्वारा ही मंदिर भी बनाया गया है। अब हम लोग तो, हाँ हम लोग तो भाई बगल के गांव के हैं और बचपन से यही सुनते आए हैं, आस्था है इनके प्रति, इसलिए यदा कदा जब भी मौका मिलता है बाबा का आशीर्वाद, जब इच्छा होती है बुलाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है। तो तरह तरह की बातें आती है लोगों के, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये शाहपुर और बेलौटी के बीच में एक जगह है, हालांकि बेलौटी में ही ये है और जी भाराडीह मौजा, भाराडीह मौजा है, ये भाराडीह मौजा कहलाता है। और यहाँ पे यह कुणेश्वर धाम का ये जो मंदिर है आप लोगों ने देखा अभी, जो मैंने दिखाया,
तो इस तरह बहुत तरह की इसकी कथाएं हैं और लोग कहा करते हैं। आइए कुछ और भी लोग हैं जिन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जी ये पंडित जी लोग हैं, पंडित जी थोड़ा सा इधर अपना मुखमंडल मुखमंडल यहाँ दिखाएंगे जी, क्या कहेंगे यहाँ? आपका नाम क्या हुआ? अजय मिश्र। क्या कहेंगे मिश्रा जी, क्या कथा है यहाँ की? कथा प्रचलित कथा है कि बाणासुर के माध्यम से प्रतिष्ठित हैं शिव जी। आप रूपी, व्यवहारिक भाषा में लोग कहते हैं कि आप रूपी हैं, कोई लिंग बनाया हुआ नहीं है। स्वतः लोग खोद रहे थे ना, पोखरा या कुंड जो कहिए, उसी से ही प्रकट हुए। तब से इनकी विशेष पूजा होती है, प्रसिद्धि बहुत है, दूर दूर के लोग आते हैं दर्शनार्थ, जिनकी जो कामना होती है पूर्ण होती है। कुंडेश्वरनाथ की बड़ी महिमा है इस क्षेत्र में, अगल बगल के गांव वाले बहुत श्रद्धा रखते हैं। कुंडेश्वर धाम कहलाता है, कुंडवासी व्यवहारिक भाषा है, मैंने कुंड से निकले इसलिए कुंडवा शब्द व्यवहारिक भाषा में कुंडवा लोग कहे, कुंडवासी मैंने कुंड से निकले। हाँ, तो आप लोगों ने देखा ये कुंडवासी, चूँकि कुंड से निकले हुए थे, शिवलिंग निकला हुआ था, तो इसलिए कुंडवासी कहा जाता है। लेकिन कुंडेश्वर धाम है ये, और बहुत सारे आप देख सकते हैं उधर पूजा वगैरह हो रहा है, और बराबर कुछ ना कुछ यहाँ पे अनुष्ठान पूजा हवन वगैरह होते रहते हैं, और हवन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह माना जाता है। यदि हम बात करें तो आरा से महज 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है, शाहपुर बगल में है, शाहपुर प्रखंड, शाहपुर थाना बगल में ही है, और बेलौटी में ही यह जगह है, बेलौटी से सटे है और मेन हाईवे के पास कुंडवासी और कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह पौराणिक कथाएँ है कि असुर राज बाणासुर के द्वारा ये सिर्फ पत्थर से ही बनाया गया मंदिर है। जैसे कि आपने देखा, गुड्डू ओझा जी ने बताया कि मान्यता है कि बाणासुर ने ही इसको, इस मंदिर को भी बनाए थे, बाणासुर ने ही बनाया था, और बहुत बहुत तरह की कथा है जो आप लोगों ने देखा। तो बहुत आस्था और विश्वास है लोगों का, और यहाँ दूर दराज से काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, बराबर पूजा पाठ होते रहता है। तो आज अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे हवन होने वाला है, और हवन तो लगातार होते रहता है, तो देखते रहिए, और आप लोग भी ज़रूर दर्शन करने आइए। और ख़ास तौर पे कहना चाहेंगे बिहार सरकार के द्वारा कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिस पे सरकार को अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं हिंदू सनातन धर्म का, ये विलुप्त होते जा रहा है। तो सरकार को अब जो उदासीन रवैया है इसको थोड़ा सा ये करना होगा, ताकि इन तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके, और इन, चूँकि आस्था का केंद्र है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, दूर दराज से लाखों लोग आते हैं। Thank you.
अस्ताम